आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मेंथा की खेती के उपरांत जो हमारे कृषक भाइयों द्वारा मेंथा का तेल निकालने के लिए जिन टंकियों का उपयोग किया जाता है उसके संबंध में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, और ये हर वर्ष इस समय इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं जो कि बहुत दुखद होती हैं, और आसानी से इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है यदि हम लोग मानकों के अनुरूप टंकियों का ही प्रयोग करें। इसी दृष्टि से हम लोगों ने इस संबंध में जितने संबंधित अधिकारी थे उन सबके साथ बैठक की थी, और केंद्रीय औषधि एवं संगत पौध संस्थान सीमैप द्वारा जो मेंथा के तेल को निकालने की जो टंकियों का मानक तय किया गया है उन मानकों के बारे में भी चर्चा की थी। ये मानक सभी जगह सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और इसके बारे में आप लोग को जानकारी अखबारों के माध्यम से भी कल मिल जाएगी, ट्विटर अकाउंट में भी, ट्विटर जो हैंडल है जिलाधिकारी बाराबंकी का उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएगी। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इन मानकों के अनुरूप जो टंकियां हैं उन्हीं का हमारे कृषक भाई प्रयोग करें, उन्हीं का क्रय करें, और इन मानकों के अनुरूप टंकियों को क्रय करने का जो के लिए जो अधिकृत दुकानें हैं उसमें जो प्रादेशिक कार्यालय स्पाइसेस बोर्ड बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया है कि दो फर्में हैं ऐसी, मेसर्स विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स बाराबंकी एवं स्वराज फैब्रिकेटर्स बाराबंकी, दोबारा मैं पढ़ूंगा इनको, मेसर्स विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स बाराबंकी एवं स्वराज फैब्रिकेटर्स बाराबंकी, ये हमें जो ऑफिसर इंचार्ज है प्रादेशिक कार्यालय स्पाइसेस बोर्ड उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये दो फर्में जनपद में अधिकृत हैं। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र द्वारा भी कुछ फर्में पंजीकृत की गई हैं, इनकी भी सूची, इनका नाम, इनका मोबाइल नंबर इत्यादि हम लोग आप लोग कल प्रेस नोट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, अखबारों में भी पढ़ सकते हैं और मेरे ट्विटर हैंडल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ने ये भी एक प्रणाली विकसित की है कि प्रत्येक तहसील में संबंधित उपजिलाधिकारी और कृषि विभाग के एक अधिकारी की का दायित्व निर्धारित किया है कि वो लोग ये देखेंगे कि कहीं पर भी पूरे तहसील क्षेत्र में मानकों के विपरीत अधो मानक टंकियों को कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकान नहीं बेच रही है, क्योंकि ऐसा करने यदि ऐसी टंकियाँ बेचेंगे उसका क्रय करेंगे हमारे कृषक भाई उसका प्रयोग करेंगे तो इसमें दुर्घटनाओं की संभावना बहुत बढ़ जाती हैं। हमने कृषि विभाग से ये भी अनुरोध किया हुआ है, सभी को निर्देशित किया है कि उनके भी जो एक्सटेंशन अधिकारी हैं कर्मचारी हैं फील्ड स्तर पे वो भी प्रचार प्रसार करें जो मानक होने चाहिए ऐसी टंकियों का, और ये ऐसे मानकों की टंकियाँ किन दुकानों पर हम खरीद सकते हैं इसके बारे में जानकारी वो गांव-गांव तक और प्रत्येक कृषक तक पहुँचाएँ जो कि मेंथा की खेती में लगा हुआ है ताकि हम इन दुर्घटनाओं से बच सकें। मेरा पुनः सभी अपने मेंथा की खेती कर रहे कृषक भाइयों से अनुरोध है कि इन मानकों का आप लोग भी भली भांति अध्ययन कर लें, जिन दुकानों को जो इन मानकों के अनुरूप बेच रही हैं मेंथा की टंकियां कृपया केवल और केवल उन्हीं दुकानों से लें ताकि दुर्घटनाओं से हम लोग बच सकें, और जो ये जान माल को हानि पहुँच रही है जो दुखद घटनाएँ हो रही हैं उन पर भी हम अंकुश लगा सकें। धन्यवाद।